नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। राजधानी लखनऊ अपनी शानो शौकत, तमीज और तहजीब के लिए जानी जाती है, लेकिन कुछ डरावनी कहानियां भी नवाबों के शहर को अब खास बनाती हैं। वैसे तो पर्यटन के नजरिए से यूपी की राजधानी और नवाबों का शहर लखनऊ बेहद खास है। लखनऊ में इमामबाड़ा, रेजिडेंसी, भूल भुलैया, अम्बेडकर पार्क और जनेश्वर मिश्र जैसे कई टूरिस्ट स्पॉट भी है, लेकिन कुछ ऐसी डरावनी जगह भी है जहाँ लोग दिन के उजाले में भी जाने से डरते हैं। इन डरावनी जगहों के बारे में लोगों की जुबान पर कई कहानियां हैं। कुछ लोग इन जगहों को भूत प्रेत आदि से भी जोड़ते हैं और इन जगहों को भूतिया और डरावना तक बताते हैं। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है इसका कोई सबूत नहीं है। तो चलिए जानते हैं लखनऊ की इन डरावनी जगहों के बारे में। लखनऊ में मुस्कुराने की वजह तो डराने की जगह भी मौजूद है। इन्हें लोग भूतहा या हॉन्टेड जगह बुलाते हैं। लोगों का मानना है कि इन जगहों पर खड़े होकर एक अजीब सी सहम महसूस होती है। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कभी हवा के अचानक से हमारे रोए पर बारीक गुजर जाने पर लगता है। दुनिया भर में ऐसी जगह जहां इंसान अकेले होते हुए भी कभी अकेला महसूस नहीं करता है। एक डर का साया हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहता है। ये जगह आपके बगल भी हो सकती है, लेकिन हम आज लखनऊ के जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें लोग भूतहा और हॉन्टेड मानते हैं। वैसे तो विज्ञान भूत प्रेतों की कहानी को नहीं मानता, बावजूद इसके कुछ सुपर नेचुरल घटनाएं किसी के होने का एहसास जरूर करवाती है। जहां ऐसी घटनाएं होती है उसे भूतहा या हॉन्टेड प्लेस कहते हैं। ऐसे कई स्थानों के बारे में आपने सुना या पढ़ा जरूर होगा। अगर आप लखनऊ के निवासी हैं तो आपके शहर में भी ऐसी जगह है जिन्हें लोग हॉन्टेड मानते हैं और जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बड़े अकाल के कारण मुगल काल के दौरान बनी इस शानदार इमारत में काम करते समय कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी आत्माएं आज भी इस जगह पर भटकती हैं। इसमें एक बड़ा तहखाना भी है। कहते हैं अंग्रेजों के शासन काल में इसमें कैदियों को रखा जाता था। कुछ की इसमें मौत हो गई थी जिससे ये जगह बेहद भूतहा मानी गई। स्थानीय लोगों और विजिटर्स ने अक्सर कैदियों की आवाजें और उनकी चीखें सुनी। उन्होंने इस शानदार इमारत के परिसर के अंदर रहस्यमयी चित्रों को घूमते हुए देखने का भी दावा किया है। ओयल हाउस। लखनऊ का ओयल हाउस वर्तमान में लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति का सरकारी आवास है, जिसके बारे में कहानी है कि वाजिद अली शाह पर जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तब इसी भवन में बने कुएं में अंग्रेज सैनिकों को मारकर फेंका जाने लगा। इसके बाद से इस भवन में अंग्रेज सैनिकों की आत्माओं का कब्जा हो गया, लेकिन इस बात का उस समय पता चला जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के अधिकारी को यह भवन रहने के लिए दिया गया। कुएं में मौजूद आत्माओं ने इनके बेटों को अपना शिकार बना लिया। इसके बाद कुएं को बंद करवा दिया। बलरामपुर अस्पताल। अंग्रेजों के समय बना लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल कभी भूतहा माना जाता था। इस अस्पताल से जुड़ी कई किस्से और कहानियां भी हैं। कहा जाता है कि इस अस्पताल में भूत प्रेत भी डॉक्टर बनकर मरीजों का उपचार किया करते थे। एक पुरानी कहानी की एक महिला का ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन उस समय अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक डॉक्टर को बुलाया गया और जब डॉक्टर मरीज के पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि महिला का ऑपरेशन हो चुका था। ये ऑपरेशन किसने किया ये किसी को नहीं पता था। इस अस्पताल में अजीबोगरीब आवाज भी सुनाई देती थी। कहा जाता है कि अस्पताल जिस जगह पर बना है वहां कब्रगाह थी। आज भी अस्पताल में कई कब्रें दिखाई देती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अस्पताल एक कब्रिस्तान पर बना है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ अजीबोगरीब गतिविधियों का अनुभव किया है। मरीजों ने अंधेरों के बाद अपने कमरों के दरवाजों पर कदमों की आहट, अचानक चीखना, रोना और खटखटाने की आवाज सुनाई देती थी। लखनऊ का रेलवे क्वार्टर। लखनऊ का रेलवे क्वार्टर भी एक ऐसा भूतहा स्थान है। इसके बारे में एक अंग्रेज इंजीनियर की कहानी मशहूर है। कहते हैं कि इंजीनियर की शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई थी जो एक अंग्रेज अधिकारी के प्रेम में पड़ गई। एक दिन इंजीनियर ने अपनी पत्नी को उस अधिकारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और उसने क्रोध में अधिकारी की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या कर दी। जहाँ यह घटना हुई थी वह लखनऊ के रेलवे क्वार्टर का स्थान माना जाता है। यहाँ आज भी कुछ लोग इंजीनियर की आत्मा की मौजूदगी की बात करते हैं। रेजिडेंसी पार्क। ये माना जाता है कि कई ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों ने 1857 के दौरान यहाँ अपनी जान गंवाई थी। कई विजिटर्स ने कुछ अलौकिक शक्तियों की यहाँ मौजूदगी की शिकायत की है। इमारत का बेसमेंट इतना खौफनाक है कि यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता।
ये जगह पर अंधेरा होने के बाद लोगों के लिए बंद कर दी जाती है। दिलखुशा गार्डन, दिलखुशा गार्डन को ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था और अब इसे लखनऊ की सबसे भूताही जगह मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एना वेले नामक एक महिला ने अपने दो प्रेमियों एलिंगटन और ब्रूस का कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो ह्यूम ड्रमंड नाम के एक अन्य व्यक्ति के साथ प्यार में थी। ये कहा जाता है कि जो कोई भी गुरुवार को इस जगह पर जाता है उसे रात करीब 9 बजे दो ब्रिटिश अधिकारी वर्दी में एक लैब्राडोर कुत्ते के साथ टहलते दिखाई देते हैं। अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो हवा में गायब हो जाते हैं। सिकंदराबाद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी दीवारें अंग्रेजों के वहशीपनों की गवाह हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 72 अंग्रेजों ने 2300 भारतीयों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से उनकी लाशों को खुले में गिद्धों को खाने के लिए छोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि उनका अंतिम संस्कार नहीं होने के कारण इनकी आत्मा यहाँ भटकती है। बहुत से स्थानीय लोग यहाँ खौफनाक चीखें सुनकर शिकायत करते हैं। कुछ लोग रेशमी छवियों को देखने की भी बात करते हैं जो अचानक से आकर गायब हो जाती है। निराला नगर लखनऊ का एक इलाका है जिसे 1960 में एक शमशान घाट पर बसाया गया था। कहते हैं कि कब्रों में रहने वाली आत्माओं ने पूरी कॉलोनी में अपना आशियाना बनाकर रखा। इस इलाके में रहने वाले लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब चीजें देखने के साथ ही बच्चों के रोने की आवाज भी सुनने की शिकायत की। यह भी माना जाता है कि जो कोई भी यहाँ रहता है उन्हें आत्माएं बर्बाद कर देती है। हमारे देश में कई रहस्यमय मंदिर और प्राचीन मंदिर तक मौजूद हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में एक ऐसा मंदिर भी है जहां शाम ढलने के बाद कोई नहीं रुकता है। ये मंदिर है मुरैना जिले में, शाम होने के बाद वहां कोई नहीं रुकता है। कहा जाता है कि रात में यहां वो नजारा दिखता है जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह तक कांप जाएगी। स्थानीय लोग इसे भूतों वाला मंदिर भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के गढ़भूतों ने महज एक रात में किया था। हम बात कर रहे हैं मुरैना जिले के सिहोनिया में मौजूद ककनमठ मंदिर की। मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित इस मंदिर के राज करीब 1000 साल पुराने हैं। तो चलिए जानते हैं मुरैना के इस भूताहे मंदिर के बारे में हमारे इस रिपोर्ट में। भारत को मंदिर का देश कहा जाता है। भारत के इतिहास में आपको कई प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाएंगे जिनका निर्माण 1000 साल पहले किया गया था। उस समय में राजा महाराजाओं द्वारा भी कई मंदिर बनाए गए थे जिनकी प्राचीन दीवारें आज भी मजबूती के साथ खड़ी हुई मिलेंगी। प्राचीन होने की वजह से मंदिरों ने कई स्तरों पर सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित भी किया। वही इनमें से कई मंदिर ऐसे भी हैं जिनमें कई चौंकाने वाली चीजें जुड़ी हैं। ऐसे ही एक प्राचीन मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जिसे भूतों का मंदिर कहते हैं। क्या कभी आपने एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो केवल पत्थरों से बनाया गया हो और हर पत्थर हवा में लटका रहा हो? भले ही दुनिया के 7 अजूबों में सिहोनिया का ककनमठ मंदिर शामिल ना किया गया हो, लेकिन इस रहस्यमयी मंदिर की खासियत यह है कि जो भी इसके बारे में सुनता है वह जरूर इसे देखना चाहता है। बड़े बड़े आंधी तूफान आए लेकिन इस रहस्यमयी मंदिर को हिला नहीं पाए। बताया जाता है कि मुस्लिम शासकों ने इसे तोड़ने के लिए गोले तक दागे, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल के बिहड़ों में बना सिहोनिया का ककनमठ मंदिर आज भी लटकते हुए पत्थरों से बना हुआ है। चंबल के बिहड़ में बना यह मंदिर 10 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देता है। जैसे जैसे इस मंदिर के नजदीक जाते हैं इसका एक एक पत्थर लटकते हुए भी दिखाई देने लगता है। जितना नजदीक जाएंगे मन में उतनी ही दहशत लगने लगती है, लेकिन किसी की मजाल जो उसके लटकते हुए पत्थरों को हिला सके। मुरैना जिले के सिहोनिया गांव में बना ककनमठ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से हुआ है। इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के सीमेंट गाड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सभी पत्थर एक के ऊपर एक कतारबद्ध रखे हुए हैं। एक बार देखकर तो मन में यह सवाल उठता है कि कहीं ये गिर ना जाए, लेकिन ये मंदिर वर्षों से अपने स्थान पर अडिग खड़ा है। मान्यता है कि इस मंदिर को भूतों ने ही एक रात में बनाया था। इसे बनाते बनाते सुबह हो गई और भूतों को काम अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। आज भी इस मंदिर को देखने पर यही लगता है कि इसका निर्माण अधूरा है। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मंदिर के निर्माण में मिट्टी, सीमेंट और चूने का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि मंदिर पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से बना है। यहाँ की एक और खास बात यह है कि इस मंदिर में लगे पत्थर दूर दूर तक नहीं मिलते,
ये मंदिर देखने में जितना बाहर से सुंदर दिखाई देता है उतना ही अंदर से भी। भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर के चारों तरफ खंभे बने हुए हैं। लोगों का मानना है कि इन खंभों की गिनती आज तक कोई नहीं कर पाया। मंदिर से जुड़े यही रहस्य इसे बेहद खास और रहस्यमय बनाते हैं। कहा जाता है कि रात में यहां वो नजारा दिखता है जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। कंकड़मठ मंदिर का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। बेजोड़ स्थापत्य कला का उदाहरण ये मंदिर पत्थरों को एक दूसरे से सटाकर बनाया गया है। मंदिर का संतुलन पत्थरों पर इस तरह बना है कि बड़े बड़े तूफान और आंधी भी इसे हिला नहीं पाए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कोई चमत्कारिक अदृश्य शक्ति है जो मंदिर की रक्षा करती है। इस मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग स्थापित है। 120 फीट ऊंचे इस मंदिर का ऊपरी सिरा और गर्भगृह सैकड़ों साल बाद भी सुरक्षित है। मगर इस मंदिर को देखने में लगता है कि यह कभी भी गिर सकता है, लेकिन ककरमठ मंदिर सैकड़ों सालों से इसी तरह टिका हुआ है और यह एक अद्भुत करिश्मा है। इसकी एक और विशेषता है कि इस मंदिर के आसपास के सभी मंदिर टूट गए, लेकिन यह मंदिर 1000 सालों से यूं ही खड़ा हुआ है, जिसका रहस्य आज भी बरकरार है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। भगवान भोले शंकर के महिमा को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। धर्म शास्त्रों में तो इस बात का उल्लेख मिलता ही है, साथ ही वर्तमान समय में भी कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लोग केवल श्रद्धा से शीश ही झुकाते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी इसके आगे हार मान ली है। तो आइए आपको बताते हैं भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा के एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। जिस मंदिर में शिवलिंग की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय मंदिर के बारे में। भारत के कई प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है गढ़मुक्तेश्वर, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने श्री परशुराम से यहाँ शिव मंदिर की स्थापना करवाई थी। उस समय इसे खांडवी वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इस प्राचीन मंदिर में स्थापित माँ गंगा की प्रतिमा का आकार लगभग आदम कद है। इसके अलावा यहाँ एक चार मुखी वाली ब्रह्मा जी की सफेद प्रतिमा भी है। इसके अलावा इस मंदिर में एक चमत्कारी शिवलिंग भी है जो काफी रहस्यमयी है। गढ़मुक्तेश्वर का गंगा मंदिर बेहद प्राचीन है। इस मंदिर की स्थापना किसने और कब की इसके बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। गढ़मुक्तेश्वर में प्राचीन गंगा मंदिर के दर्शन के लिए 101 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। गढ़मुक्तेश्वर में प्राचीन गंगा मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की सीढ़ियां बेहद रहस्यमयी पत्थरों से बनी है। जब कोई इन सीढ़ियों पर चढ़ता है उसे पानी में पत्थर फेंकने जैसी आवाज सुनाई देती है। प्राचीन समय में गंगा नदी का पानी इस मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाता था, लेकिन अब लगभग काफी दूर ही रहता है। इस मंदिर में कार्तिक मास में शिवलिंग के दर्शन का विशेष महत्व है, लेकिन सावन के महीने में भी यहाँ भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती है। मंदिर में स्थित शिवलिंग के बारे में एक कथा प्रचलित है कि हर साल कार्तिक मास में एक विशेष आकृति इस पर अपने आप अंकुरित होती है और दिखाई देती है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर वह आकृति हर बार अलग अलग आकार और रूप में प्रकट होती है। इस रहस्य के बारे में आज भी कई विशेषज्ञ और वैज्ञानिक नहीं बता पा रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का भी रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती है। इस विषय पर काफी रिसर्च वर्क भी हुआ, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियां पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजरी है। ये जिस वजह से होता है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।